अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, बाइनांस कॉइन, शिबा इनो वगैरह जितने भी क्रिप्टो करेंसीज़ के प्लेटफॉर्म है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसकी प्राइस की प्रेडिक्शन के बारे में मैं आपको आगाह करूँगा कि लास्ट 7 डेज़ में ये कॉइन्स जो है वो कितने घट चुके हैं और कितने इंक्रीज जा चुके हैं। सब कुछ आप लोगों को मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस क्रिप्टो करेंसी के हवाले से आपको यहां पर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन का मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले 7 दिनों में बिटकॉइन कितना घट चुका है और कितने बिटकॉइन की प्राइस जो है वो हाई जा चुकी है। यहाँ पर ये चार्ट है, ये चार्ट आप लोगों को दिखा रहा है लेकिन चार्ट पे आप लोग समझेंगे नहीं। यहाँ पर मैं आप लोगों को सिंपल आसान तरीके से दिखाने वाला हूँ। मैं आप लोगों को बिल्कुल एंड पे लेके जाता हूँ। यहाँ पर ये प्राइस प्रिडिक्शन है बिटकॉइन की। ठीक है, अगर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये सारे डेट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो 14 जनवरी को बिटकॉइन की जो प्राइस थी वो +4.88%। जनवरी 15 पे ये जा चुकी है, तकरीबन इसमें ये इजाफा हुआ है। 15 जनवरी को फिर घट चुका है, 16 जनवरी को फिर 1.46% इंक्रीज हो चुका है। इसी तरह से अगर अभी हम प्राइस प्रिडिक्शन की बात करें, जनवरी 21, 2023 में बिटकॉइन की प्राइस की प्रिडिक्शन की बात करें तो 22,805 दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। हम जाते हैं और बिटकॉइन की प्राइस जो है वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली आज ही चेक करने वाला हूं कि बिटकॉइन की प्राइस अभी क्या चल रही है। और अगर आप लोग मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको एहतियात के साथ इन डेटा को आपने रिकॉग्नाइज करना है, इनको देखना है, फिर अपने आप को आगे प्रोसीड करना है। तो यहां पर मैं आप लोगों को इसकी प्राइस की अगर बात करूँ, प्राइस मैं आप लोगों को बिटकॉइन की दिखाता हूँ। तो अगर यहाँ पर मैं बिटकॉइन, ठीक है सॉरी, अगर यहाँ पर मैं बिटकॉइन को सिलेक्ट कर देता हूँ और एक ही बिटकॉइन की मैं प्राइस यहाँ पे लिख देता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 22,706 अभी भी ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये एग्जैक्ट प्राइस है BTC की 22,708.3734, ये BTC की प्राइस है और ये चार्ट भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को जाके इथेरियम का दिखाता हूँ कि इथेरियम जो है वो किस प्राइस पे अभी चल रहा है। दोस्तों अब हम इथेरियम की चेक करने वाले, इथेरियम की प्राइस चेक करने वाले हैं कि इथेरियम लास्ट 7 डेज़ में इसमें कितनी चेंजेस आई हुई हैं, ये घट चुका है या ऊपर जा चुका है। तो मैं इथेरियम पे क्लिक करता हूँ। इथेरियम पे क्लिक करने के बाद मैं आप लोगों का इसका ओवरव्यू देने वाला हूँ 7 दिन का, पिछले कि ये घट चुका है या इंक्रीज़ हो चुका है। तो यहाँ पर मैं सिंपल आप लोगों को इसकी प्राइस भी दिखाने वाला हूँ और साथ में लास्ट 7 डेज़ का ओवरव्यू भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी, 18 और इसके साथ साथ आज 21 जनवरी है। तो यहाँ पर इथेरियम की जो प्राइस है +6.38% ये इंक्रीज हो चुकी है 14 जनवरी को। 15 जनवरी को +0.17%, जनवरी 16, 18 में 18 और 17 पे आप देख सकते हैं -5.0% ये घट चुकी है इसकी प्राइस। ठीक है, जनवरी 17 पे -0.76% ये घट चुकी है और 20 जनवरी पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है इसको, +6.50% ये इंक्रीज़ हो चुका है। और अभी जनवरी 21, 2023 में -1.38 अभी ये घट चुकी है। तो आप लोगों को ये प्राइस ध्यान में रखकर अपने आप को आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, अब अगर मैं आपको एग्जैक्ट जो है वो इथेरियम की प्राइस दिखाना चाहता हूँ तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ कि एग्जैक्ट जो है अभी इथेरियम की प्राइस कितनी है। यहाँ पर मैं पहले इथेरियम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 इथेरियम लिख देता हूँ और प्राइस आपको मालूम हो जाएगा कि इसकी एग्जैक्ट अभी प्राइस कितनी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1639 US डॉलर इसकी जो है वो अभी एग्जैक्ट प्राइस है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अभी जो है ये घट रही है, अभी इंक्रीज नहीं हो रही। तो ध्यान में रख के इसके प्राइस को अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और जो है इथेरियम की प्राइस को आपने माइंड में रखकर आगे ही आपने प्रोसीड करना है। फ्रेंड्स इसके साथ अगर हम बात करें लाइटकॉइन की तो लाइटकॉइन की मैं आप लोगों को प्राइस दिखा देता हूँ, एग्जैक्ट प्राइस भी दिखाता हूँ और लास्ट 7 डेज़ का चेंज भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितना चेंज इसमें आ चुका है। तो चलते डायरेक्ट ड्राफ्ट पे चलते हैं।
मैं आपको ग्राफ के थ्रू ही मैं आपको समझा सकूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 14 जनवरी 15 जनवरी पे यहाँ पर इसकी प्राइस जो है वो बढ़ चुकी है, 15 जनवरी पे इसकी जो प्राइस है वो घट चुकी है, 16 जनवरी पे भी घट चुकी है, लेकिन 17 जनवरी को इसको फिर थोड़ा सा बूस्ट मिल चुका है, लेकिन 18 जनवरी को उसकी बनिस्पत बहुत कम जा चुकी है, और 19 जनवरी पे फिर बूस्ट मिला है, और 20 जनवरी पे उसको बहुत ही हाई बूस्ट मिला है। अब करंट जो प्राइस है वो डाउन चल रही है, लाइट कॉइन की जो अभी करंट प्राइस है वो डाउन चल रही है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आप लोगों को बता दूँ कि पिछले जो इसकी प्राइस थी उसकी बनिस्बत ये जो इसमें कमामत आई हुई है ये इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ़िलहाल अभी ये घट रही है, ठीक है। अभी एग्जैक्ट अगर मैं आप लोगों को इसकी प्राइस दिखा दूँ तो यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ लाइट कॉइन, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा लाइट कॉइन को, हम सेलेक्ट करेंगे, और लाइट कॉइन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं एक लाइट कॉइन लिखता हूँ कि एक लाइट कॉइन की जो प्राइस है वो कितनी यूएस डॉलर है, तो एक कॉइन की यूएस जो प्राइस है वो 89 यूएस डॉलर है, और जो अभी घट रही है माइंड में रखना है और प्रोसीड करना है अपने प्रोसेस को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी दूसरे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।